अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम अपने लेक्चर 12 के पार्ट बी को कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, सिविल सर्विस के हवाले से हम बात कर रहे थे और हम उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे थे कि सिविल सर्विस बेसिकली होती क्या है। और हमने उस हवाले से सीएसएस के हवाले से देखा था कि जो पाकिस्तान में इसके इम्तहानात होते हैं उसका तरीक़ाकार क्या होता है, उसमें कौन से ग्रुप्स होते हैं। सेंट्रल सुप्रीम सर्विस के हवाले से हमने बात की थी, पाकिस्तान में इसके कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 240 के हवाले से बात हुई थी। और इसके बाद हमने इसके सिविल सर्वेंट एक्ट को थोड़ा डिस्कस किया था जो कि 1973 का एक्ट है। और फिर हमने तीन चीज़ों के बारे में बात की थी, उसमें थी अपॉइंटमेंट थी, प्रमोशन थी और ट्रांसफ़र था। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान लेज डाउन सेपरेट सर्विस फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द प्रोविजनल गवर्नमेंट। ये बात भी हम कर चुके हैं कि सिविल सर्विस जो है वो फेडरल लेवल पे अलग है और प्रोविजनल लेवल पर अलग है। जो फेडरल लेवल के होते हैं वो फेडरल मिनिस्ट्रीज में जाते हैं, या ख़ास तौर पर उनकी बात कर रहा हूँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन करते हैं वो फेडरल एम्प्लॉय होते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एम्प्लॉय होते हैं। इसी तरह जो प्रोविजनल सिविल सर्विस करते हैं वो सूबाई हुकूमत के एम्प्लॉय होते हैं, वो जैसे गवर्नमेंट ऑफ सिंध होगा या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या बलूचिस्तान या केपी के। अगर चाहे असिस्टेंट कमिश्नर फेडरल सर्विस कमीशन से भी होता है और सूबाई सतह से भी। बस फ़र्क ये होता है कि जो सूबाई लेवल पे असिस्टेंट कमिश्नर तैनात होता है वो दूसरे सूबे में जा नहीं सकता, वो अपने ही सूबे में सर्कुलेट करता है। अपॉइंटमेंट टू सर्विस ऑफ पाकिस्तान एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस। इन द केस ऑफ द सिविल सर्विस ऑफ द फेडरेशन पोस्ट इज कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द फेडरेशन एंड सिविल सर्विस बाय द पार्लियामेंट। एग्जिस्टिंग रूल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये कहता है पाकिस्तान का जो आइन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल, वो सिविल सर्विस के हवाले से ये बातें कहता है। अच्छा, इस हवाले से एक कायदे आज़म का भी कोट बड़ा किया जाता है कि उन्होंने सिविल सर्वेंट से मुखातिब होते हुए कहा था और उनको कहा था कि यू आर नॉट ऑफिसर्स, इनफैक्ट यू आर सर्वेंट्स, कि आप ऑफिसर्स नहीं हो बल्कि खादिम हो, आपका काम है अवाम की खिदमत करना, इसलिए इसको सिविल सर्वेंट्स भी कहा जाता है। सिविल ऑफिसर्स बेसिकली इसके टर्म है, लेकिन उसके बाद से इसको हम सिविल सर्वेंट्स, जिस तरह शहबाज शरीफ ने पंजाब में कहा था कि मैं वज़ीर आला नहीं हूँ, मैं खादिम आला हूँ, ठीक है, तो ये वही वाली बात है। नेमिंग कन्वेंशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डज नॉट सेट द लीगल नेम फॉर द सिविल सर्विस एंड देयर इज नो सर्विस नेम एज सीएसएस। कह रहा आईन पाकिस्तान में ऐसा कोई नाम नहीं है, बस इसको कहा जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउड द गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑफिसर्स एंड चेयरमैन ऑफ द FPSC ऑफ पाकिस्तान टू चूज द नेम। द टर्म CSS इमर्ज्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट पब्लिक एग्जामिनेशन ऑफ सिविल सर्विस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑन पोस्ट एट ऑफिसर एंट्री लेवल इन द ऑक्यूपेशनल ग्रुप ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिफाइड ग्रुप। कह रहे हैं ये लफ्ज पहला इम्तहान हुआ था, उस टाइम पॉपुलर हुआ तो उसके बाद से चला आ रहा है। The Federal Public Service Commission holds the combined competitive exam annually under the title advertised as exam Central Superior Service. हर साल FPSC जो है वो CSS का एग्ज़ाम लेती है जो कि यूजली फेब के महीने में होता है और उसको सेंट्रल सुपरियर सर्विस का नाम दिया जाता है। उसके एक्ट की बात की जा रही है, इसमें हमने ग्रुप का, अच्छा हिस्ट्री की हम बात करते हैं डायरेक्ट। ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कोट है, एक लंबा खिताब है, उसमें से कुछ एक्सेप्ट लिए गए जिसमें वो कह रहे हैं सिविल सर्विस इज़ द बैकबोन ऑफ द स्टेट, कि सिविल सर्विस किसी भी स्टेट की रीढ़ की हड्डी है। गवर्नमेंट्स आर फॉर्म्ड, गवर्नमेंट्स आर डिफीटेड, प्राइम मिनिस्टर कम एंड गो, मिनिस्टर कम एंड गो, बट यू स्टे ऑन एंड देयरफॉर देयर इज़ अ वेरी ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेस ऑन योर शोल्डर। कह रहे हुकूमतें जो है वो कायम होती हैं, हुकूमतों को शिकस्त भी होती है, वज़ीर आज़म जो है वो आता जाता रहता है, मिनिस्टर भी आते जाते रहते हैं, मगर जो आप सिविल सर्विस के लोग हो वो कायम दायम रहते हो, वो अपनी पोजीशन पे रहते हो, वो आप 5 साल के लिए नहीं होते हो। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इसकी हिस्ट्री अंग्रेज़ों के दौर से शुरू होती है कि अंग्रेज़ जब यहाँ पर आए तो उनको निज़ाम चलाना था, तो उसके लिए उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस मुतारफ़ कराया। सिविल ब्यूरोक्रेसी इज़ अ कॉलोनियल लेगेसी, ठीक है, या ब्रिटिश कॉलोनी की एक
छोड़ी हुई रवायत है इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। द ब्रिटिश यूज टू रूल द नेटिव पॉपुलेशन थ्रू इंडियन सिविल सर्विस एंड मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स इन ICS वर ब्रिटिश themselves। यानी ICS ने उन्होंने मुतारफ कराया था और ज़्यादातर जो है वो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट ही हुआ करते थे, अंग्रेज़ ही हुआ करते थे इसमें। आप लोगों ने पढ़ा होगा तारीख में कि जब कांग्रेस कायम हुई थी तो कांग्रेस को भी AO ह्यूम जिस बंदे ने कायम किया था वो एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट ऑफिसर था। इट वॉज इन द अर्ली 20th सेंचुरी डेट द इंडियंस ऑल्सो स्टार्टेड कम्पीटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड मैनी इंडियंस इवेंचुअली मेड इट टू द ICS। 20वीं सदी के आगाज़ में इंडियन यानी मकामी लोगों ने भी कम्पीट करना शुरू किया और बहुत से लोग इस सर्विस के अंदर गए। फिर जब पार्टीशन हो गया तो ये दो तरह में डिवाइड हो गया, पाकिस्तान का बन गया CSS और इंडिया का उसी तरह ICS कायम रहा। अब ये ग्रुप्स के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है उसको पहले DMG ग्रुप कहा जाता था। 1 जून 2022 तक यह सिविल सर्विस की सबसे प्रेस्टिजियस ग्रुप है, सबसे टॉप की पोस्ट होती है जिसको टॉपर्स यूजुअली अवेल करते हैं। द पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ओवर द ईयर हैज इमर्ज एज द मोस्ट कंसोलिडेटेड एंड डेवलप्ड सिविल इंस्टीट्यूशन विद द सीनियर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स ऑफ ग्रेड 22 ऑफन सीन एज स्ट्रॉन्गर देन गवर्नमेंट मिनिस्टर्स। 22 ग्रेड के ऑफिसर्स एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अक्सर औकात मिनिस्टर से भी ज़्यादा ताकतवर कंसिडर किए जाते हैं। द सर्विस ऑफ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इज वेरी वर्सटाइल इन नेचर एंड ऑफिसर्स आर असाइंड टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑल अक्रॉस पाकिस्तान ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर कैरियर। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कंट्रीज हाई प्रोफाइल ब्यूरोक्रेटिक पोजिशन सच एज द फेडरल सेक्रेटरीज। अच्छा ये नाम है जहाँ पर ये लोग अपॉइंट होते हैं, फेडरल सेक्रेटरीज लगते हैं, द प्रोविजनल चीफ सेक्रेटरीज लगते हैं, चेयरमैन लगते हैं हैवी ऑर्गेनाइजेशन के लाइक NHA के, पाकिस्तान ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के, स्टेट लाइफ के वगैरह वगैरह। ये बात आप लोगों को बहुत कम मालूम होगी इधर कि आर्म्ड फोर्सेस के भी 10% कोटा है सिविल सर्विस के अंदर और ये ज़ियाउल हक के दौर में अपॉइंट कराया गया था जो आज तक है। और अक्सर आपने देखा होगा किसी पुलिस में ASP होता है उसके नाम के आगे लिखा होता है कैप्टन रिटायर्ड, तो बेसिकली वो आर्मी साथ से आर्मी में सेलेक्ट होने का अपना तरीका है और वो अपनी सिलेक्शन करते हैं और उसमें से जो 10% कोटा है उसमें से लोगों को सिलेक्ट करके भेजते हैं। रिफॉर्म ऑफ सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विस के रिफॉर्म की बात की जाती रहती है अक्सर और हाल ही में SN इकबाल साहब ने 2016 में बड़ा रिफॉर्म किया, एज रिलैक्सेशन दे दी थी तो 2 साल बढ़ा दिया था। और अभी रिसेंटली शफकत महमूद साहब ने भी इस पर काफ़ी बात की है CSS के रिफॉर्म की, एक मैं आपको आर्टिकल भी दिखाऊंगा डॉन का इस हवाले से। CSS एग्ज़ाम की बात करें और उसके कुछ स्टेट्स की बात करें तो इसका जो एग्ज़ाम होता है वो फॉर एवरी वन एस्पायरेंट सिलेक्टेड देर आर 200 हु आर नॉट इन 2015, यानी 200 के करीब लोग सिलेक्ट होते हैं और यूजली 19,000 कैंडिडेट में से सिर्फ चंद परसेंट लोग होते हैं जो क्वालिफाई कर पाते हैं, यानी जो इसका रिजल्ट का तनासब होता है वो 2% के करीब भी नहीं जाता। CSS एग्जाम्स आर हेल्ड एवरी ईयर इन द कंट्री, दीज आर कंडक्टेड बाय द FPSC और ओनली द कैंडिडेट बिटवीन द एज 21 to 30 आर एलिजिबल टू अप्लाई। अच्छा इसमें एज लिमिट है, 21 से 30 साल की एज हो और आपने कम से कम ग्रेजुएशन की हो ये एलिजिबिलिटी, और ग्रेजुएशन भी सेकंड डिवीजन से, थर्ड डिवीजन वाला एलिजिबल नहीं है। आपको 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं और 6 कंपलसरी होते हैं। कंपलसरी में ऐसे होता है कंपोजिशन एंड राइटिंग होती है, आपका करंट अफेयर्स होता है, पाकिस्तान अफेयर्स होता है, एवरीडे साइंस होता है, ये कम्बाइन होकर पेपर होता है, इसी तरह इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज़ होता है। सबसे ज़्यादा यूजली जो ट्रेंड है वो ऐसे में फेल होने का है, तो ऐसे और इंग्लिश कंपोजिशन को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इसके अलावा अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो इसमें सिविल सर्विस एकेडमी के हवाले से है, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, फेडरल सेक्रेटरी क्या है, एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी क्या है, हम आगे कुछ पढ़ते हैं। रिफॉर्म्स के हवाले से ये इसी साल के शुरू का है, 20 जनवरी 2021 का, जब गवर्नमेंट ने कुछ
रिफॉर्म्स प्रपोज किए थे। और ये आप अगर जैसे उन्वान पढ़ें, गवर्नमेंट अनाउंस मेजर सिविल सर्विस रिफॉर्म एम्ड एट इम्प्रूविंग गवर्नेंस। क्योंकि अरसे से ये बात होती जा रही है कि जब सिविल सर्वेंट इतने कॉम्पिटेंट होते हैं और इतनी शफाफ तरीके से इनका इंतखाब किया जाता है, और अगर हम पाकिस्तान की तारीख की बात करें तो कहा जाता है कि शुरू में जो मुल्क बना था पार्टीशन के वक्त, उसको चलाने वाले सिविल सर्वेंट्स ही थे। तो अब क्या सूरत हाल है कि सिविल सर्वेंट मुसलसल जवाल का शिकार है और कोई भी मारूफ नाम नहीं आ रहा। अगर हम माजी में बात करें तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे सर्च करके दिखाऊँ, अगर कि MS सिविल सर्वेंट्स ऑफ पाकिस्तान, तो ये आप अगर नाम देखें तो अब ये नाम मौजूदा दौर का कोई बंदा नजर नहीं आएगा, ये सब पुराने लोग नजर आएंगे आपको। एक तवील लिस्ट है, इसमें फेमस लोग हैं जो सिविल सर्वेंट हुए। तो इसकी ऐसी क्या बात है? देखिए, कामरान लाशारी जिन्होंने पूरा लाहौर बनाया, LDA के चेयरमैन रहे, रोहिदाद खान बड़े आशिर अजीम कस्टम्स के जिन्होंने धुआं ड्रामा लिखा, सिविल सर्वेंट थे, और यहाँ मकबूल जान साहब, ये इनका जिक्र है, ये सिविल सर्वेंट रिटायर्ड हैं। बहुत से लोग करके छोड़ भी देते हैं, हमजा बासी की मिसाल है आपके सामने, पुलिस में सिलेक्ट हुआ था CSS करके, उसने छोड़ दिया था। इसी तरह एतजाज एहसन ने CSS किया था, उसने छोड़ दिया था। शमशाद अहमद, अगेन बहुत मारूफ नाम। मासूमा हसन, ये कैम्ब्रिज की PhD हैं और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के नाम से एक थिंक टैंक चलाती हैं। आयशा मुमताज़, आप लोगों ने सुना होगा, जो पंजाब फूड अथॉरिटी में। तो ये मारूफ सिविल सर्वेंट्स हैं। इसमें यूजली सारे वो नहीं हैं जिन्होंने CSS किया है, लेकिन समाओ मेजॉरिटी वही है। इसी तरह ये नबी काजी, ए काजी, सिंध यूनिवर्सिटी में आप लोग को पता है इनका। नरगिस सेठी जो जरदारी के टेन्योर में पढ़ी। परवीन शाकिर अगेन बहुत बड़ा नाम, जिनके बारे में मशहूर है कि जब ये CSS के एग्ज़ाम में बैठी हुई थी तो इनका अपना शेयर पेपर में आया हुआ था, और ये पाकिस्तान कस्टम्स ग्रुप में सेलेक्ट हुई थी, और बहुत ही कम उम्र में एक कार हादसे का शिकार होकर इनका इंतकाल हो गया। आज इस्लामाबाद में एशियाट कब्रिस्तान में इनकी कब्र है। और शायरी में एक नई सन्फ इन्होंने जो मुतारिफ कराई है, आज तक फेमस है, आगा शाही, अगेन बहुत फेमस। कासिम अली शाह, ये बहुत कम लोगों को पता है कि ये प्रोविजनल सिविल सर्विस के टॉपर गुजरे हैं, जो आजकल बड़ी मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं। अमजद साकिब साहब जो अख़ुव्वत फाउंडेशन के हैं, कुद्दत अल्लाह शाह, आप तो खैर लेजेंड हैं, सबसे बड़ा नाम ही अगर कहें इनका है तो गलत नहीं होगा, अयूब खान के सेक्रेटरी थे ये, और इन्होंने एक शाहकार किताब लिखी है, शहाबनामा, जो कि मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग ज़रूर पढ़ें। उस किताब में ना सिर्फ आपको हिस्ट्री मिलेगी बल्कि अदब का जायका मिलेगा, और बहुत दिलचस्प किताब है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर किसी ने वो किताब नहीं पढ़ी तो समझें उसने पाकिस्तान के हवाले से कुछ नहीं पढ़ा। ना सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से, अगर आपको जनरल लिटरेचर का भी शौक है तो वो किताब एक शाहकार है। ये दो PDFs हैं जो सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के हवाले से। टाइम कितना रह गया है? टाइम है हमारे पास 7 मिनट। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ सिविल सर्विस, ये मैं पेपर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ये जो स्लाइड्स हैं 9 स्लाइड्स हैं, इसका मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू बता देता हूँ किस तरह का है। सिविल सर्विस रिफॉर्म की बात की है, द नीड फॉर अ वाइड डिबेट, क्यों डिबेट है, 5 डिकेड्स गुजर गई हैं, ये कह रहे हैं। 73 में आ गया था सिविल सर्विस हमारे पास एक्ट, और उसके हवाले से कुछ डिस्कस किया इसने, द डिबेट इज नॉट इंटेंडेड टू विलीफाई एफर्ट्स बट लिटल रिफॉर्म्स, कह रहे हैं कोशिश की गई है मगर रिफॉर्म्स बहुत कम ली गई हैं। इनका रोल जिक्र क्या किया है, डिसेंट्रलाइजेशन, ऑटोनोमाइजेशन और प्रोफेशनलिज्म, ये तीन बहुत अहम चीज़ें इसकी, कि इनको सियासी असर व रसूख से पाक किया जाए। पुलिस ख़ास तौर पे इसमें बहुत सियासी हो जाती है, इनको ऑटोनोमस किया जाए और इनके अंदर प्रोफेशनलिज्म लाई जाए। पॉलिसी मेकिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, रेगुलेशंस, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, आपको पता है जो सिविल सर्विस ऑफिसर्स होते हैं उनको बहुत सी मराहत दी जाती है, घर मिलता है उनको, सैलरी भी अच्छी होती है, फिर इसके अलावा उनके बैरून मुल्क ट्रिप्स टूर बहुत ज़्यादा कराए जाते हैं, तो प्रिविलेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। रिफॉर्म्स के एफर्ट, स्टेक होल्डर, चैरिटी, रिक्रूटमेंट एंड मोबिलिटी, और फिर ये एक यूट्यूब लिंक दिया हुआ है जिसमें फर्दर इसके हवाले से डिटेल्स है। इसके अलावा अगर आपको रिफॉर्म्स के हवाले से पढ़ना है तो बिल डेट एक वेबसाइट भी है और एक पेज भी है,
और इसमें बहुत कुछ ये लोग काम कर रहे हैं पाकिस्तान में जनरल आवाम को, अगर आप पॉलिटिकल पॉलिटिक्स समझाने की कि किस तरह से हमारे इदारे काम करते हैं, क्या चीज़ है, तो PILDAT, ये मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा। इसको आप लोग सर्च भी करें और इसको स्टडी भी करें। छोटी छोटी इनकी वीडियोस होती हैं, इनकी कुछ फेलोशिप्स भी आती हैं जिसमें ये यंग स्कॉलर्स को लेते हैं। इसी तरह ये एक पीडीएफ है, एक तवील पीडीएफ है 106 पेज का, और ये जर्मन का एक कॉरपोरेशन के साथ ये बनाया गया है, डोशे। ये कहता है अ स्टडी ऑन द सिविल सर्विस स्ट्रक्चर, सिविल सर्विस ट्रेनिंग एंड ओवरव्यू ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ गवर्नमेंट रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान। ये सिर्फ वही पढ़ेगा जिसको शौक होगा, बाकी मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग इसको पढ़ें। मगर इसमें सिर्फ इसका अगर कॉन्टेक्स्ट देख लेना तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें खैर उसका एक्रोनिम में जिक्र है सारी चीज़ों का, जो मैंने आपसे जिक्र किया था वो ये इदारा है, पिल्ट एट, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। ये इसकी है चैप्टर वन जो है वो सिविल सर्विस इन पाकिस्तान है, फेडरल प्रोविजनल डिस्ट्रिक्ट एंड यूनियन काउंसिल लेवल है। इसके हवाले से पूरी एक रिसर्च है, फेडरल के हवाले से बताया है, फिर केपीके के 85 में रूल ऑफ बिजनेस, ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग, इसी तरह चैप्टर टू है ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन पाकिस्तान, उसके हवाले से पूरा है। आप लोगों ने कराची में रहते हुए सुना होगा एक इलाका है नीपा, तो आप लोग को पता है नीपा को नीपा क्यों कहा जाता है? आप पुणे पर अगर कभी गुजरे वहाँ पे तो एक जगह है निम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे जब भी प्रमोशन होती है सिविल सर्वेंट्स की फ्रॉम ग्रेड 17 to 18 या 18 से 19, तो इनकी ट्रेनिंग वहाँ पे होती है किसी भी पोस्ट के लिए, इवन 19 से 20। इस निम का जो पुराना नाम था वो था नीपा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो नीपा इज बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस जहाँ पे सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग होती है। चैप्टर 3 जो है वो एन ओवरव्यू ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर गवर्नमेंट रिफॉर्म्स, क्योंकि वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज होती हैं तो रिफॉर्म्स की ज़रूरत हमेशा रहती है। 3 चैप्टर पे इन्होंने पूरा कुछ बता दिया कि कैसे हम रिफॉर्म्स ला सकते हैं। ये आर्टिकल है सिविल सर्वेंट्स के प्रमोशन के रूल्स हैं 2019 के, 2020 के इन्होंने निकाले हैं रिटायरमेंट के, एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल, रिवाइज स्केल पॉलिसी, रोटेशन पॉलिसी। इसमें ये होता है कि कुछ टाइम जो है वो सिविल सर्वेंट्स को आउट ऑफ प्रोविंस सर्विस देनी होती है, फिर वो अपने जोन में आ सकता है। सिविल सर्वेंट्स रूल जो 2020 के उनका जिक्र है, और बड़ा दिलचस्प आर्टिकल है, तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, आप लोग इसको ज़रूर पढ़ेगा। दूसरा ये कि आज का जो सवाल है उसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन आज का ये है कि सिविल सर्विस के बारे में आपने जाना, इसकी पावर देखी, एफिशिएंसी देखी, और ये वो इदारा है अगर आप यहाँ पे जॉब करते हैं तो आप बहुत कुछ मुल्क की डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं। तो आप लोगों से सवाल ये है कि अगर आप लोग CSS का एग्ज़ाम देते हैं, जो कि लाजमी देना चाहिए और मैं तो रिकमेंड करूँगा, ख़ास तौर पर जो सोशल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो लाजमी है कि वो दें, तो आप लोग को मैंने 12 ग्रुप करा है, आप लोग किस ग्रुप में ज़्यादा इंटरेस्टेड है और क्यों? और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है सिविल सर्विस करने के तो भी क्यों? तो ये भी बताएं कि हम नहीं करना चाहते हैं, उसकी वजह बताएं, और अगर करना चाहते हैं तो किस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, और उस ग्रुप में आपकी क्या एफिलिएशन है कि आप कहते हैं मुझे यही ग्रुप चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में इसको बताएं। तो आप लोग के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।